राजधानी की नॉर्थ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। मामले में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले दो शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 3 पिस्टल, 15 कट्टे और करीब 2 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र और रविंद्र सिंह अलवर के निवासी हैं। आरोपी धर्मेंद्र हत्या और लूट के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों को संजय बाजार में हथियारों की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया। मामले की को लेकर डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नॉर्थ पुलिस ने राजधानी जयपुर के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ में 2 बदमाशों को पकड़ा है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं डीसीपी नॉर्थ मनोज चौधरी जी। उनसे जानते हैं किस तरह पूरी कार्रवाई रही है। सर, किस तरह पूरी ये हमारी आसूचना संकलन से हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जयपुर शहर में हथियार सप्लाई का कार्य करते हैं, और ये कई दिनों से हम इन सूचनाओं को एकत्रित करने में लगे हुए थे। जब से कि पिछले दिनों एक फायरिंग की घटना हुई थी रात में 2-3 बजे, तब से ही हमें इन अपराधियों पर नकेल कसने का निर्णय कमिश्नर जयपुर पुलिस द्वारा किया गया था और हम सबको निर्देशित किया गया था। और तब से ही जयपुर नॉर्थ पुलिस इस काम में लगी हुई थी और हमें सूचना मिली और सूचना के अनुरूप कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार करके और उनसे कुल 18 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 3 पिस्टल हैं और 15 देसी कट्टे हैं और 19 कारतूस भी उनसे बरामद किए गए। किस तरह हथियारों की सप्लाई कर रहे थे सर, क्या कोई गैंगवार थी या गैंगवार के नतीजे की वजह से या फिर कुछ ऐसा? देखिए, अब ये आज ही इनको गिरफ्तार किया है तो अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन जहाँ तक हमारी आसूचना का सवाल है और प्रारंभिक पूछताछ का सवाल है, इनका मुख्य कार्य हथियार सप्लाई करना है। हालांकि इनमें से एक व्यक्ति ने पूर्व में हत्या और लूट के एक मामले में अपने शरीक होना हमें बताया प्रारंभिक पूछताछ में, जिसकी हमें तस्दीक करनी बाकी है। कहाँ कहाँ हथियारों की सप्लाई करते थे, यूपी बिहार? नहीं, अभी एक बार हमारी पूछताछ प्रारंभिक स्थिति में ही है। हमारे को जो शुरू में आसूचना मिली थी वो जयपुर और साथ ही सीकर साइड में भी हथियार सप्लाई की इनकी तरफ से सूचना मिली थी, लेकिन अभी इसमें तस्दीक कुछ भी नहीं हो पाया है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इनसे पूछताछ शुरू हुई। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार डीसीपी नॉर्थ, जो बता रहे थे कि राजधानी जयपुर के अंदर जिस तरह से गैंगवार की जो घटनाएं बढ़ी उसके बाद यहाँ पर हथियारों की जो तस्करी वो लगातार जोरों पर थी, लेकिन यहाँ पर माणा चौक थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और यहाँ पर 2 बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार करते हुए इनसे भारी मात्रा में अवैध हथियार यहाँ पर बरामद किए हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ यादविन शर्मा, एवं टीवी न्यूज जयपुर।